अनफिल्टर्ड, दिस इज सेवंतिका एंड आज मैं काफी दिनों के बाद आ गई हूँ एक इंस्पायर्ड मेकअप लुक लेके। एंड टाइटल एंड थंबनेल देख के आप जान गए होंगे कि दिस इज एन आलिया भट्ट इंस्पायर्ड मेकअप लुक फ्रॉम द मूवी ब्रह्मास्त्र। तो ये वाला लुक मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना बैठ के इस लुक को रिक्रिएट करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना एंड कमेंट करके मुझे बता दो कि मैं कैसी लग रही हूँ। एंड अगर आपको देखना है मैंने ये लुक कैसे किया है प्लीज कीप वॉचिंग द वीडियो। तो मेकअप शुरू करने से पहले मैं हमेशा आजकल एक चीज करती हूँ कि आई टेक अ कपल ऑफ आइस क्यूब्स एंड मैं अच्छे से अपने स्किन पे उसको लगाती हूँ। इससे क्या होता है कि मेकअप बहुत अच्छे से सेट होता है आपके स्किन में एंड आपके पोर्स श्रिंक हो जाते हैं एंड ऑल्सो जो थोड़ा स्वेलिंग वगैरह पफीनेस जो रहता है आपके फेस में वो हट जाता है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद अब हम लगाएंगे कंसीलर एंड मैं बहुत ही लाइट बेस के साथ जाऊंगी। बहुत ही सटल नेचुरल सिंपल सा लुक है ये एंड फॉर माय कंसीलर आई एम यूजिंग दिस एलए प्रो गर्ल कंसीलर। बहुत पसंद है मुझे एंड ये निकल क्यों नहीं रहा है। एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए तो मैं आंखों के नीचे थोड़ा सा सेट करने के लिए आई विल टेक दिस पाउडर, दिस इज फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन। आई विल टेक दिस आई शेडो एंड इसको मैं अपने अंडर आईज में लगाऊंगी ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा कवरेज मिले। एंड लुक में आईब्रोज बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड है, मेरे आईब्रोज इतने वेल डिफाइंड नहीं है तो मैं अच्छे से इनको फिल करूंगी। आई विल मेक श्योर कि वो अच्छे दिखे, आई विल ट्राई। And for filling my brows, I'll use this Makeup Revolution ka palette and I'll use this black and this dark brown shade. काजल एंड मैं मतलब एक बहुत ही स्मोकी सा आईलाइनर है। एंड नाउ आई विल बी यूजिंग अ ब्राउन, डार्क ब्राउन आई शेडो एंड मैं थोड़ा बहुत इसको सेट करूंगी एंड अपने आईज को थोड़ा सा स्मोक आउट टाइप्स करूंगी। देखो स्मोकी लुक किया है एंड इसको कंप्लीट करने के लिए मैं लोअर आईलिड्स में डार्क ब्राउन एंड ब्लैक का मिक्सचर कर रही हूँ ताकि आई मेकअप है जो वो पूरा कंप्लीट लगे। और मैं थोड़ा सा काजल लगाऊंगी सिर्फ आउटर कॉर्नर्स में, अंदर नहीं लगाऊंगी। एंड अपने आई लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं थोड़ा अपने लैशेस को कर्ल करके उस पर मस्कारा लगाऊंगी ताकि मेरे आईज बहुत अच्छे से वेल डिफाइंड लगे एंड अब मैं आईलैश कर्लर यूज करना अच्छे से सीख गई। एंड फॉर मस्कारा आई विल बी यूजिंग दिस स्मैशबॉक्स सुपर फैन मस्कारा। बहुत अच्छा मस्कारा है ये, तो मेरे पास मिनी साइज में है बट दिस इज अ वेरी नाइस मस्कारा। कंप्लीट हो गया है एंड नेक्स्ट हम करेंगे अपना बेस एंड बहुत ही नेचुरल बेस है, बहुत ही हल्का सा, वेरी नेचुरल ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइट, एवरीथिंग। तो मैं ट्राई करूंगी बिल्कुल वैसा लुक करने का। तो अब मैं लगाने वाली हूँ अपने फेस पे टिंट एंड दिस इज फ्रॉम नायका मोल्टन मैट इन द शेड 1 रेचल। इसको सेट करने के लिए आई विल यूज दिस वेरी ब्यूटिफुल बेबी पिंक शेड फ्रॉम दिस मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट। तो मैंने बहुत ही नेचुरल ब्रश लगा लिया है, अब मैं नेक्स्ट करूंगी कॉन्टोर एंड फॉर कॉन्टोर आई यूज द मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट एंड आई यूज दिस शेड वेम्पायर। नेक्स्ट आई अप्लाई लिक्विड हाईलाइटर एंड दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी
बहुत अच्छा है, बहुत ही हल्का आपको चाहिए रहता है, ज्यादा लगाने से बहुत एक्सेस लगता है मुझे तो मैं बहुत ही हल्का सा अपने हाथों के पीछे लूंगी, बिल्कुल इतना सा, एंड आई टेक द ब्यूटी ब्लेंडर एंड इसको लेके मैं धीरे धीरे अपने हाई पॉइंट्स ऑफ फेस में लगाऊंगी। लिपस्टिक मुझे लगाना है एंड फॉर लिपस्टिक आई एम यूजिंग दिस नायका मैट टू लास्ट लिपस्टिक शेड 18 चाय। दिस इज एन एब्सोल्युटली अमेजिंग ब्राउन शेड एंड मैं बहुत ही हल्का सा लगाऊंगी ताकि बहुत ही नेचुरल लुक आए। तो मेरा फुल मेकअप हो गया है एंड अब मैं फाइनल लुक के साथ आती हूँ। सो हियर इज माई फाइनल लुक एंड अपने बालों के साथ तो मैं कुछ नहीं कर पाई, एज यूजुअल ऐसे ही है जो है। एंड दीज आर वेरी नाइस इयररिंग्स जो मुझे लग रहा है कि लुक बिल्कुल एलिवेट हो गया है बिकॉज ऑफ दिस इयररिंग्स, बहुत सुंदर लग रहा है इन द लुक। एंड या तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कॉमेंट में बताना आपको ये मेरा लुक कैसा लगा। एंड टिल देन आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एवरीवन।